हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुहेली की दुनिया। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का वीडियो है व्हाट्स इन माय बैग। मैं यूट्यूब पे हर समय ये सारे वीडियोस देखती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो और हर समय मुझे लगता था कि मैं भी एक ऐसा वीडियो बनाऊँ। तो आज मैंने भी तय कर लिया कि आज मैं बनाकर ही छोड़ूंगी, और मैंने बना ही दिया। सो लेडीज, हमारा हैंडबैग तो एक मतलब घर के जैसा होता है, उसमें सारा सामान ठूसा रहता है। सो दिस इज माय हैंडबैग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ब्रांड एंड ऑल। मेरा हैंडबैग जो है ऐसा दिखता है, ओके। एंड आई लव द कलर ऑफ द हैंडबैग, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सबसे ये है कि इसमें बहुत स्पेस है, और शोल्डर में भी अगर लेना है तो ये इस तरह से है एक पैच यहाँ पर, ओके। सो यहाँ पर मेन जिप है, इसके यहाँ या यहाँ पर कोई जिप नहीं है, कोई यहाँ पॉकेट नहीं है। यहाँ मेन पॉकेट यहीं से स्टार्ट होता है, और ये अंदर के जिप से ये एक चेन ऐसे निकल आ रहा है, तो मुझे ये डिजाइन बहुत अच्छा लगता है। सो दिस इज द मेन जिप। इसे अगर खोलूं, अब मैं दिखाती हूँ कि मेरे बैग से क्या क्या निकलता है। सबसे पहले मेरा चश्मा, माय स्पेक्ट, आई ऑलवेज हैव टू कैरी दिस। सो ये है मेरा चश्मा। नेक्स्ट, यहां जो है ये एक कॉम्ब, और अभी तो मोस्ट एसेंशियल सैनिटाइजर सबको कैरी करना ही पड़ता है ना। नेक्स्ट यहां है, यह है मेरा कॉइन का पाउच, और या इसमें जस्ट मैं जो कॉइन रखती हूँ, क्योंकि पर्स में रखने से ना वो इधर उधर हो जाता है, तो ये मैं एक डेडिकेटेड छोटा सा पाउच रखती हूँ जिसमें मैं कॉइन्स रखती हूँ। नेक्स्ट ये है एक छोटा सा डब्बा, मुझे ना हर समय सौंफ, इलायची या लवंग कुछ भी मुंह में रखकर चबाने की आदत है, अजवाइन, तो अभी मेरे बॉक्स में यहां पर सौंफ और इलायची है। एंड ये है एक छोटू सा बुक, अगर कुछ लिखना पड़े तो हियर इन दिस बुक आई राइट। और ये है मेरा वॉलेट, इसमें फॉरएवर यंग, एक तो इसका कलर मुझे बहुत पसंद है, और ऊपर से फॉरएवर यंग यहाँ जब भी लिखा हुआ देखती हूँ मुझे भी अंदर से लगता है कि ओ या आई एम ऑल्सो फॉरएवर यंग, ओके। सो जस्ट अ जोक, बट हाँ खुशी होती है देखकर। देन कम्स द मोस्ट एसेंशियल पार्ट, दिस इज माय पाउच इन द बैग। इसमें तो मेरा पूरा खजाना है, मैं आपको सब दिखाती हूँ एक एक करके व्हाट्स देयर इन माय बैग। ये है एक लिपस्टिक ऑफ रेड शेड, दिस इज फॉर इमरजेंसी। यहाँ इसके अंदर मेरा हैंड क्रीम है, मेरे हाथ जो है ना बहुत बार बार ड्राई हो जाते हैं, तो मुझे एक हैंड क्रीम हर समय कैरी करना पड़ता है। अनदर लिपस्टिक ऑफ मरून शेड, एक बोरोलिन मैं हर समय रखती हूँ, एक बोरोलिन या बोरो प्लस कुछ तो मेरे इसमें रहता है, अगर हैंड क्रीम भूल भी जाऊं या फिर कोई भी कट हो जाए या कुछ हो जाए, और बैंगलोर में स्पेशली स्किन बहुत ड्राई हो जाता है, तो एक ये रहने से ना बहुत हेल्पफुल होता है। एक काजल, टू बैंडेड्स, पता नहीं कब किसे कहां कट हो जाए, तो इसके लिए इमरजेंसी के लिए मैं ये रखती हूँ। एक सनस्क्रीन है इसके अंदर, और ये है कॉप्सल्स, स्टेप्सल्स, कॉप्सल्स कुछ भी रखती हूँ, क्योंकि बैंगलोर का वेदर जो है ना वो हर समय फ्लक्चुएट होते रहता है, कभी थोड़ा गर्मी हो गया, कभी मतलब वेदर टू मतलब ठंडा पड़ गया, इस तरह से हो जाता है, तो इसके लिए ना यहाँ मतलब लगे ही रहता है सर्दी खांसी ये सब। सो फॉर इमरजेंसी आई ऑलवेज कैरी दिस। ये है थोड़ा पैरासिटामोल भी रहता है मेरे बैग में, और पुदीना हरा। यू नो ऑल दीज पहले मैं नहीं कैरी करती थी,
बट देन मुझे ये व्हाट्स इन माई बैग कलेक्शन देखने का इतना शौक है. मैं सारे बहुत व्लॉगर्स का मैं देख चुकी हूँ एंड देर इज लॉट्स टू लर्न फ्रॉम ईच ब्लॉगर. तो वहां मैंने देखा कि एक ब्लॉगर जो है ऑलवेज शी कैरीज हर मेडिसिन्स. सो दिस इज रियली हेल्पफुल क्योंकि कहीं भी अचानक भी इन योर ऑफिस आप बैठ के अचानक यू आर फीलिंग फीवरिश, हेडेक आ गया, तो फटाक से आप एक मेडिसिन ले लीजिए, या फिर गैस्ट्रिक या कुछ हो तो एक गैस्ट्रिक का मेडिसिन रख लीजिए. सो लाइक दिस इमरजेंसी के लिए कुछ मेडिसिन पाउच में रहना इज रियली एसेंशियल. और ये है मेरा बिंदी पैकेट. आप लोग जो मुझे अभी तक देख रहे हैं आप लोगों को पता चल गया होगा कि आई एम रियली फॉन्ड ऑफ ब्लैक बिंदीज. छोटा हो या बड़ा, मुझे ब्लैक बिंदीज का बहुत ही शौक है. सो इन केस अगर मैं लगाना भूल जाऊं तो वो है. और ये है एक नेल रिमूवर, नेल पेंट रिमूवर, सॉरी नॉट नेल रिमूवर, इट्स नेल पेंट रिमूवर फॉर इमरजेंसीज. इसको मैं रखती हूँ इन केस अगर नेल पॉलिश चेंज करना पड़े झटपट. और ये है एक परफ्यूम का बॉटल. सो यू नो लेडीज, उनको मतलब परफ्यूम का बहुत ही शौक होता है. मुझे तो स्पेशली बहुत शौक है. और मेरे पाउच में ये है, एक्चुअली अभी नहीं है, मेरे बैग में कभी कभी दो तीन भी रह जाते हैं. सो दिस इज माई लिप बाम, वो भी है इसके अंदर. लिप्स तो ड्राई होते ही रहते हैं बैंगलोर में. एंड दिस इज अनदर लिपस्टिक ब्राउन कलर का. सो ये तीन लिपस्टिक्स मैं हमेशा रखती हूँ, रेड ब्राउन एंड मरून, कहीं भी किसी भी इमरजेंसी. ओके ये पता नहीं क्यों कब किसी समय मैंने शायद खोलकर इसमें डाल दिया था, एक बैंगल है. सो ये खजाना जो है मेरे इस पाउच में से निकला. एंड द नेक्स्ट थिंग व्हाट आई हैव इन माय बैग इज अ स्मॉल बॉक्स फुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स. क्योंकि अगर आपको भूख लगे या कुछ इन बिटवीन जस्ट मंच करने के लिए, मैं थोड़ा यहाँ इस तरह से ड्राई फ्रूट्स रख देती हूँ. ओके द मोस्ट एसेंशियल, यस, एक छोटू सा वाटर बॉटल. सो पानी तो हर समय जरूरत पड़ती ही है, प्यास कब किसे लग जाए किसी को पता नहीं. सो ऑलवेज इट्स बेटर टू कैरी अ वाटर बॉटल इन द बैग. सो ये है मेरा बॉटल, यहाँ लिखा भी हुआ है माई बॉटल. आई रियली लव दिस बॉटल, बहुत ही क्यूट लगता है मुझे. एंड देन आई हैव अ बुक हियर. सो करेंटली आई एम रीडिंग दिस बुक. सो मैं कहीं भी जाती हूँ मैं इसे कैरी करती हूँ, गाड़ी में बैठकर पढ़ते पढ़ते जा सकती हूँ, या फिर कहीं पे अगर ऐसे ही थोड़ा सा टाइम मिल गया आई कैन रीड दिस बुक. इसका नाम है ईट दैट फ्रॉग. एक्चुअली दिस बुक इज फॉर मतलब प्रोक्रास्टिनेशन, जिसको बहुत मतलब लेजीनेस, हर बात में मतलब लेजीनेस आ गया. एंड स्पेशली लास्ट 2 इयर्स से कोरोना पेंडेमिक दिस दैट, लोग घर बैठकर ये तो बहुत आ गया है. सो दिस बुक इज रियली हेल्पफुल, आई एम लविंग दिस बुक. सो दिस इज द बुक आई एम रीडिंग नाउ. एंड हाँ ये है मेरा बहुत ही क्यूट सा पेन का पाउच. इसके अंदर मैं ये, इसका नाम मैंने दिया है शेरू. शेरू के अंदर फिर से पूरा खजाना है यहाँ पर मेरा. यहाँ रहता है पूरा पेन, पेंसिल, स्केल, शार्पनर, इरेजर, ये है स्टेपलर, स्टेपलर पिंस, एवरीथिंग आई कैरी इन दिस पाउच शेरू. ओके आई लव दिस पाउच, मेरा बहुत ही फेवरेट है. टाइम पास करने के लिए भी बहुत फेवरेट है. सो क्यूट ना. ओके एंड नेक्स्ट आई हैव, या नेक्स्ट आई हैव दिस बैग कमिंग आउट. या ये जो है ना मतलब घर लौटते समय अगर इमरजेंसी में कुछ भी लेना पड़े, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या कुछ भी ग्रॉसरी, तो मैं छोटू सा ये हैंडी सा फोल्डिंग बैग रखती हूँ. तो जस्ट इसको निकालो, शॉपिंग करो, इसमें भरो और घर आ जाओ. सो दिस इज माई, ये फोल्डिंग वाला बैग, इसे भी मैं इसके अंदर रखती हूँ. तो ये है पूरा, अब तो मेरा बैग खाली हो गया, पूरा सब निकल गया. और यस यहाँ पर एक जिप है, ये है इस यहाँ पर एक जिप, और इस जिप पे भी यहाँ यहाँ भी कुछ कुछ सामान है. ये मैं एक्स्ट्रा रखती हूँ मास्क, यू नो अभी तो विदाउट मास्क, इन केस भूल गई फटाक से बैग से निकालो पहन लो. और ये है मेरा हाउस की,
सॉरी, ये है मेरा हाउस की एंड इसे भी मैं जिप में रखती हूँ. एंड देन दिस इज द इनहेलर. हर समय यहाँ बैंगलोर में मुझे तो बहुत जरूरत होती है. सो ये भी मैं रखती हूँ बैग के अंदर. और है एक और लिप बाम. वहां खोलने में ये हुआ तो यहां से निकाल लिया इस जिप से. सो जस्ट लिप बाम हियर एंड देयर यू विल गेट इन माई बैग. सो दिस इज वॉट. अब तो मैंने बैग पूरा खाली कर दिया. यहां पर वो जिप में से निकला की एंड ऑल. और यहाँ इस तरह से ये स्पेस है. यहाँ भी एक जिप है, यहाँ भी एक जिप है. और ये जो दो है यहाँ पर पॉकेट्स, इसमें एक में मैं सैनिटाइजर रखी थी और एक में मैं कॉम्ब रखी थी एंड द कॉइन पाउच. सो दिस इज हाउ. अब तो मैं बैग खाली कर दी. ओके, इसमें बहुत ही स्पेस है. मेरा बहुत फेवरेट बैग है. क्वाइट ऑफन मैं बैग चेंज करते रहती हूँ. यू नो लेडीज, उनको बैग का बहुत शौक होता है. मुझे भी है इस तरह से. सो इट्स नॉट लाइक दैट कि दिस इज द ओनली बैग आई कैरी. मैं चेंज करते रहती हूँ. बट दिस इज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट बैग्स. बहुत स्पेस है इसमें. यू कैन सी, मतलब मैं पूरा खजाना लेकर घूमती हूँ. सो दिस इज हाउ माई बैग लुक्स एंड दिस इज द खजाना, फुल ट्रेजर विच वॉज देयर इन साइड माई बैग. हाउ डिड यू लाइक माई वीडियो? सब प्लीज बताइए. आप लोग कमेंट करके मेरा वीडियो कैसा लगा और लाइक शेयर करना मत भूले. जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूले, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं. थैंक यू डियर फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.